प्रस्ताव ये है कि तीसरा प्रेस आयोग या मीडिया आयोग गठित किया जाए, जो इस समय सारे समाचार मीडिया की या जो पूरा मीडिया जगत है भारत में, उद्योग है, उसकी पूरी स्थिति का, सबसे ताज़ा स्थिति का पूरा अध्ययन करे, स्टडी करे उसको, और ये अध्ययन करते समय उसको ये अधिकार हो कि वो इस बारे में मीडिया की अंदरूनी बनावट को समझने और काम करने के तरीकों को समझने के लिए जिसको ज़रूरी समझे उसको वो जांच आयोग कानून के तहत बुला सके और फिर वो एक रिपोर्ट पेश करे। उस आयोग में की मांग के पीछे क्रॉस मीडिया होल्डिंग्स का जो बढ़ता हुआ खतरा है, उससे जो देश की मीडिया को, मीडिया के माध्यम से जो लोकतंत्र को नुकसान हो रहा है, वो एक अहम मुद्दा है। FDI का सवाल उसमें है कि मीडिया में, समाचार मीडिया में खास तौर पर विदेशी पूंजी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो किस रूप में आनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए और उसको कैसा उसका नियमन किया जा सके। ये बहुत बड़े सवाल हैं क्योंकि अंततः मीडिया किस तरह काम करता है ये निर्भर करता है पत्रकारों के काम करने पर कम, लेकिन मीडिया के मालिकों के काम करने पर ज़्यादा। इसलिए मीडिया का जो आर्थिक ढांचा है, उसकी जो संरचना है, उसकी जो स्ट्रक्चरल बनावट है, उसके ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और इन सब पर एक नए सिरे से देशहित की दृष्टि से विचार करने की ज़रूरत है। और उम्मीद ये है कि अगर ये तीसरा आयोग बनता है, और सबकी मांग है कि सरकार से कि वो बनाए इसको, वो प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, तो फिर इन बड़े मुद्दों पर अध्ययन करके, अपनी केवल कल्पना से नहीं, अध्ययन करके एक रिपोर्ट पेश करे और फिर सिफारिशें दे।